हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा आपका अंडर टोन कैसे पहचानना है, स्किन टोन कैसे पहचानना है, कौन से स्किन टाइप पे कौन सा फाउंडेशन आपको यूज़ करना है, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में एकदम डिटेल में देखा है और कवरेज के बारे में भी बात की है। आज हम लोग स्वॉचेस के बारे में देखेंगे, मतलब कैसे दिखता है वार्म, कूल और न्यूट्रल फाउंडेशन, ये हम लोग आज देखेंगे। तो मैं आपको अभी हाथ पे स्वॉच करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेकअप लगाया है तो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। जब भी आप लोग फाउंडेशन खरीदने जाते हो गाइस, तो हमेशा याद रखो मॉइस्चराइजर आपको लगाना है, क्योंकि आप लोग जब भी मेकअप करोगे तो हमेशा आपके चेहरे पे मॉइस्चराइजर आप लगा के ही मेकअप करोगे, तो मॉइस्चराइजर आपको लगाना ही है। और सेकेंड, आप लोगों को आपका प्राइमर, अगर प्राइमर वहां पे मिल रहा है तो प्राइमर आप वहां पे टेस्टर उनका लगा लो, या तो फिर अपने घर से प्राइमर भी लगा के जाना, ताकि आप लोगों को फाइनल रिजल्ट पता चले फाउंडेशन लगाने के बाद और ब्लेंड करने के बाद वो कैसे दिखेगा। अगर आप लोगों ने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, प्राइमर नहीं लगाया और सिर्फ फाउंडेशन जाके स्वॉच किया और फिर स्वॉच करने के बाद आपको लगेगा कि यार ये ब्लेंड नहीं हो रहा है ठीक से, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोगों तो ये ठीक से समझने के लिए कि ये फाउंडेशन आपके लिए सही है कि नहीं, आप लोगों को मॉइस्चराइजर तो एटलीस्ट लगा के जाना ही है और प्राइमर भी लगा के जाइए आपके स्किन टाइप के हिसाब से। प्राइमर भी कैसे खरीदना है, क्या है, ये सबका वीडियो आएगा गाइज अभी नेक्स्ट वीडियो में, मैं सब बनाऊंगी एक एक, बट आज मैंने फाउंडेशन का बनाया क्योंकि ये सबसे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। गाइज अभी स्वॉचेस देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हुडा का चाय शेड किया है स्वॉच, सेकेंड है ये नार्स का स्ट्रॉन्गोली और थर्ड है ये मैक का NC35। ये पहला देखोगे हुडा का, तो हुडा के इसमें आपको थोड़ा सा पिंकिश दिख रहा होगा, थोड़ा सा कूल अंडरटोन दिख रहा होगा, कैमरा में कितना दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट अगर आप लोग ये वाला और ये वाला फाउंडेशन कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा येल्लो लग रहा होगा आपको और ये थोड़ा सा उसके कंपेरेटिवली पिंक लग रहा होगा, तो ये एक कूल अंडरटोन का फाउंडेशन है हुडा का, ओके। ये अगर आप देखोगे गाइस तो इसमें देखते ही आपको येल्लो यू दिख रहा है, तो मतलब ये एक वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन है। और थर्ड है आपका ये वाला, जिसमें आपको ना ही ज्यादा पिंक लग रहा है और ना ही ज्यादा येल्लो लग रहा है, थोड़ा सा पीछी लग रहा है, तो मतलब ये एक न्यूट्रल अंडरटोन का है। तो जब भी आपसे कंफ्यूजन हो जाता है ना कि येल्लो भी नहीं लग रहा है, पिंक भी नहीं लग रहा है, थोड़ा पीछी पीछी लग रहा है, तो मतलब ये एक न्यूट्रल अंडरटोन का है। तो ऐसे आप लोगों को ये तीन शेड्स के फाउंडेशन मिलेंगे। जब भी आप लोग खरीदने जाते हो गाइस, कभी भी आपको हाथ पे स्वॉच नहीं करना है, ठीक है। मैंने अभी मेकअप लगाया हुआ है फेस पे, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूं, वरना आप लोगों को हमेशा आपके फाउंडेशन को यहां पे स्वॉच करना है, आपका नेक और आपका चीक एरिया, इतने इसमें आपको स्वॉच करना है। अगर आप लोग इसका कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो, कैसे स्वॉच करना है, कैसे ब्लेंड करना है, कैसे चेक करना है, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर ही बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को हाथ पे दिखा रही हूँ, बट आपको शॉप में हाथ पे नहीं, आपके चेहरे पे टेस्ट करके देखना है। तो अभी ये तीन मैंने दिखाया है आपको, कूल, येल्लो, पीच, ये न्यूट्रल है, ये कूल अंडरटोन है, ये वार्म अंडरटोन है। अगर मैं आपको बॉटल्स दिखाऊं इसके, तो देखो ये वाला है, आपको देखते ही ये येल्लो येल्लो दिख रहा होगा, ये नार्स का था स्ट्रॉन्गोली, जो ये वाला बीच वाला है, तो येल्लो दिख रहा है, राइट। फिर आता है हुडा का, तो हुडा का अगर आप देखोगे तो देखो थोड़ा सा बेजी पिंकी कलर दिख रहा है, थोड़ा सा पिंकिश, ओके। तो इसको और इसको बाजू में रखोगे तो आपको ये थोड़ा सा पिंकिश दिखेगा, बेजी पिंक कलर है, पूरा ही पिंक नहीं है, थोड़ा सा बेजी पिंक कलर है, तो ऐसे आपको समझना है। और ट्यूब में है तो आप लोगों को इतना नहीं समझ में आएगा, बट यहां पर थोड़ा सा दिख रहा है ये वाला, तो थोड़ा सा पीछी कलर है, तो अगर मैं तीनों को बाजू बाजू में रखू तो आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाएगा। देखो ये येलो है, ये थोड़ा सा पीच है और ये थोड़ा सा पिंकिश बेजिश कलर है। तो ऐसे आप लोगों को हमेशा समझना है फाउंडेशन का, बॉटल में देखते ही आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कलर कौन सा दिख रहा है, या तो फिर आप लोग ऐसे स्वॉच करोगे चेहरे पे तभी भी आपको पता चलेगा, या तो आपके कोई भी यूट्यूबर जो आपको लगती है कि आपके स्किन टोन जैसी है, जैसे अगर मैं जैसा मेरा कलर है, आपको लगता है कि आप भी मेरे जैसे हो, और मोस्टली अगर आप लोग महाराष्ट्र से हो या मीडियम स्किन टोन के हो तो मोस्टली आप लोगों का कलर मेरे जैसे ही होगा, वार्म न्यूट्रल अंडरटोन के ही होंगे आप भी। तो जैसे मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ, जैसे मैं मिक्सिंग करती हूँ, आप लोग भी वैसे ही करके देखना गाइस, आप पे भी वो मैच हो जाएगा। तो आपके जो भी यूट्यूबर्स आपको लगते हैं कि आपके स्किन के हिसाब से वो लोग का है, तो उनके फाउंडेशन देखना आप लोग, और फिर वैसे आप लोग खरीद सकते हो, तो वो भी एक टेस्ट आप लोग कर सकते हो। तो ये ऐसे आपको समझना है, अगर वार्म है तो येल्लो यू होगा उसमें, कूल है तो पिंक यू होगा, और न्यूट्रल है तो बोथ होगा। तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो थोड़ा सा पीची कलर बन जाता है, तो इसीलिए न्यूट्रल में बोथ कलर्स आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो चेहरा है वो पूरा प्रॉपर बैलेंस होता है,
का और वार्मनेस का, इसीलिए दोनों कलर्स उन पे अच्छे दिखते हैं। अभी हम लोग स्किन टोन को कैसे समझना है ये समझेंगे फाउंडेशन खरीदते वक्त। अभी स्किन टोन के लिए गाइज मैंने ये चार फाउंडेशन यहाँ पे स्वॉच, ठीक है। तो ये सबसे पहला अगर आप देखोगे, ये वाला देखो, ये दोनों देखो, तो ये दोनों देखते ही आपको पता चलेगा कि ये फेयर स्किन के लिए है। मीडियम टोन का ये वाला फाउंडेशन लगाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो ये फेयर स्किन के लिए फाउंडेशन है। अगर ये देखोगे तो ये डार्क स्किन के लिए फाउंडेशन दिख रहा है, राइट, आप लोगों को कलर से ये डार्क है ये फेयर है। तो अभी ये है शोपारेल का नंबर 3। अगर आप लोग फेयर हो बट आपको लग रहा है थोड़ा सा येल्लो यू है आप में, या न्यूट्रल हो आप लोग, क्योंकि इसमें देखो पता नहीं चल रहा है, येल्लो भी नहीं है ये बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा पिंक भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल में आता है। तो ऐसे फाउंडेशन जिसमें आपको पता नहीं चलता है, दोनों कॉम्बिनेशन लगता है ना, तो वो न्यूट्रल में आता है। तो फेयर है न्यूट्रल है तो आपको ये लगा सकते हो, फेयर है बट एकदम कूल अंडरटोन है तो ये हुडा का चाय है, पिंक ज्यादा है उसमें अंडरटोन में, पिंकी पिंकी लग रहा है वो, तो हुडा का आप लोग चाय लगा सकते हो। और अगर कोई मीडियम है तो ये मैक का NC35 है गाइज, आप लोग ये वाला लगा सकते हो न्यूट्रल वालों को मीडियम। और ये जो है ये डार्क, ये NC44 है मैक का, तो अगर आपको लगता है कि आप डार्क हो तो आप लोग ये वाला लगा सकते हो। तो मैंने इस पे पूरा एक वीडियो बनाया है गाइस कि कौन सा फाउंडेशन आपको खरीदना है आपके स्किन टोन अंडरटोन के हिसाब से, पूरा एक चार्ट है, डे 10 वीडियो है मेबेलिन और मैक का, कौन सा फाउंडेशन आपके लिए परफेक्ट है ये सब कुछ आपको मैंने बताया है। आप लोग ये वाला वीडियो भी देख सकते हो, और अगर आप लोग ऑनलाइन भी खरीद रहे हो तो वो वीडियो से आपको पता चल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका। हमेशा याद रखो कि अंडरटोन सही होना चाहिए आप जब भी फाउंडेशन खरीदते हो। स्किन टोन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो उसको लाइट एंड डार्क हम लोग कर सकते हैं, बट अंडरटोन अगर गलत रहेगा तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अंडरटोन आपके हिसाब से लेना आप लोग, और फिर स्किन टोन आपको समझ में आ जाएगा लेते हुए। अब जब भी लगाओगे तो भी आपको पता चलेगा ये लाइट दिख रहा है या डार्क दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग स्किन टोन को एडजस्ट कभी भी कर सकते हो। तो अंडरटोन सही होना चाहिए फाउंडेशन का, हमेशा ये याद रखना आप लोग। तो आप लोग वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, आप लोगों को रेडीमेड मिल जाएगा कौन सा आपको फाउंडेशन खरीदना है। आप लोग ऑनलाइन भी खरीद रहे हो ना, तो इतना याद रखो कि जब भी आप लोग ऑनलाइन खरीदते हो तो अभी ब्रांड्स भी बनाते हैं गाइस फाउंडेशन, तो वो लोग भी वेनिला, पोर्सिलिन, आइवरी, ये जो कलर्स होते हैं ना ये एकदम फेयर स्किन टोन के लिए होते हैं, ओके। तो ये सब अब लोग जो बहुत ही ज्यादा फेयर होते हैं, पिंक अंडरटोन जिनका होता है ना, पोर्सिलिन, आइवरी, ये सब वेनिला, ये सब उनके लिए होते हैं। और जो भी आप लोग थोड़ा सा नीचे आते हो तो वार्म न्यूड, वार्म बेज, जिसमें भी वार्म 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 कलर्स आते हैं ना, तो वो सब कुछ मीडियम स्किन टोन के लिए होते हैं। सॉफ्ट टैन या यू नो नेचुरल बेज कलर, बेज वार्म, ये सब आप लोग जब भी नाम देखोगे ना तो समझ जाना कि ये आपके लिए है, मतलब मीडियम स्किन टोन वालों के लिए है। और डार्क जैसे जैसे हम लोग आते हैं ना, तो डार्क में आप लोगों को कैरमेल कलर सबसे परफेक्ट कलर होता है डार्क स्किन। अगर आप लोग डार्क स्किन लग रहा है आपका है तो आप लोगों को कैरमेल परफेक्ट शेड होता है, तो कैरमेल कलर ले सकते हो। कैपेचिनो है, टैन स्किन आता है, गोल्डन आता है, हनी आता है, एस्प्रेसो आता है, मोका आता है, तो ये सारे कॉफी के कलर्स, यू नो ये सब कुछ आप लोगों को डार्क स्किन की तरफ जाता है। गाइज ये अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कैसे क्या फाउंडेशन खरीदना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे ये पूरा वीडियो है गाइज, 10th वीडियो, जिसमें पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, ये वीडियो देखना आप लोग इस वीडियो के बाद। और अगर आप लोग ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो मैंने आपको स्वॉचेस भी बताए हैं कैसे करना है, आपको अपने स्किन पे करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं करके दिखाऊं आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो भी लेके आऊंगी, और हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने वाले हैं, केकी क्यों दिखता है फाउंडेशन, डार्क क्यों हो जाता है, ये भी सारे हम लोग क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट्स आपके। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइस चैनल को, और बेल बटन भी क्लिक करना ताकि आप लोग कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करो, और शेयर करो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो मेरी भी बहुत सारी दुआएं आपको मिलेंगी गाइस, और उनकी भी मिलेगी। तो प्लीज गाइस शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनका भी हेल्प हो जाए अगर वो फाउंडेशन खरीद रहे हैं तो, क्योंकि फाउंडेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर फाउंडेशन ही गलत हो गया गाइस तो पूरा मेकअप डाउन हो जाता है, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को फाउंडेशन ठीक से खरीदना, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाया है। अब मैं आप लोगों को प्रेपिंग के बारे में बताऊंगी, एक बार आपका फाउंडेशन का सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना फिर मैं आपको प्रेपिंग एंड ऑल सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। सो आप चाहते हो कि मैं और वीडियोज बनाऊ इस सीरीज को लेके, तो लाइक करना मत भूलिएगा गाइज, पक्का लाइक करना, ठीक है। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू, बाय।